हाय फ्रेंड, मैं हूं सुमन। आप लोग देख रहे हैं डिजिटल नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में, उसमें किस तरह से काम डाउन अब लगाए। जैसे कि सामने वाला कोई आपकी वेबसाइट में आए और उधर में कोई, अगर आपका सामने वाला से कोई सॉफ्टवेयर या कोई मूवी वगैरह डाउनलोड कराने के लिए आप चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से काम डाउन इधर पर जैसे देख पा रहे हैं, ये वाला जो काम डाउन हो रहा है, ये वाला काम डाउन किस तरह से आप वेबसाइट में इंटीग्रेट करें, जिसमें सामने वाला जब आएगा वेबसाइट में कुछ देर के लिए उधर पे स्टे करेगा, जिसमें वेबसाइट का जो बाउंस रेट होता है वो अच्छा रहेगा। उसका साथ साथ जो आपके अगर वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल है तो उधर पे कुछ इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, मे बी अगर कोई ऐड के ऊपर क्लिक कर देता है तो उधर पर क्लिक भी आ जाएगा। तो ये वाला जैसे अभी आपको दिखाया, दोबारा एक बार करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जैसे देख पा रहे हैं, ये जो टाइम इधर पे काउंट हो रहा है, इसको किस तरह से आसानी से जैसे सी पैनल में नहीं जाके, मतलब अब वर्डप्रेस से ही इसको कॉन्फ़िगर कर पाएगा पूरा प्रोसेस को। तो सिंपली क्या करना होगा, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन होना है और आपको जो प्लागिन सेक्शन है उसके अंदर एड न्यू प्लागिन में जाना होगा आपको, और इधर पर आपको सर्च करना होगा फूडर कोट करके, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो वाला ये हेडर फूडर कोड वाला जो ये प्लगइन है, इसको आपको ये जो आइकॉन आप देख पा रहे हैं, इसको आपको इधर पे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव। एक्टिव करने के बाद इसको आपको जाना होगा टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा, जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तब टूल्स के अंदर इधर पे मिल जाएगा हेडर एंड फूडर सेक्शन वाला एक कोड सेक्शन आपको मिल जाएगा। फिर इसके अंदर फूडर सेक्शन में जाके एक कोड पेस्ट करना है, जिस कोड का यूआरएल, जैसे कि देख पा रहे हैं ये वाला जो यूआरएल है, ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिंपली आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप वेबसाइट में जनरेट होंगे और नीचे इस तरह से आपका जो अभी काम डाउन देख पा रहे हैं, इस तरह से काम डाउन अभी चलेगा। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो आपको डाउनलोड बटन दिखेगा इधर पे। जैसे कि देख पा रहे हैं डाउनलोड बटन आपको दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ड्राइव से, गूगल ड्राइव से शेयर किया हुआ है ये वाला जो आप कोड, आप इसको देख पाएंगे तो सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सिंपली जो फूडर कोड है इसमें आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपको इसको कर देना है सेव। सेव करने की बात, ये जब सेव हो जाएगा तो सिंपली दोबारा हम लोग जाएंगे प्लगइन के अंदर और कुछ इस तरह से बटन वेबसाइट में लगाने के लिए जो कुछ प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे। वैसे तो आप कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन ये बटन जब लगाएंगे कुछ अच्छा ही लगता है वेबसाइट का। तो सिंपली इसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको प्लगइन के अंदर फिर एड न्यू प्लगइन के अंदर जाके इधर पर करना होगा, सर्च करना होगा शॉर्ट कोट वागल प्लगइन करके, ऐसे शॉर्ट कर कोट करके अगर सर्च करेंगे मे बी आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा। ये वर्डप्रेस शॉर्ट कोट प्लगइन जो है, इसको आपको सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के अंदर आप जिस पेज में या पोस्ट के अंदर ये काम डाउन लगाना चाह रहा है, इस जिस तरह के बटन लगाना चाह रहा है, जिसमें आपका कोई डाउनलोड वाला जो, जिसको डाउनलोड करना है उसके यूआरएल को रीजनरेट करना है, उसके पहले काम डाउन आना चाहिए। तो कोई भी पेज के अंदर हो सकता है आपका, कोई भी पोस्ट के अंदर हो सकता है। तो सिंपली मान लीजिए एक न्यू पोस्ट मैं क्रिएट करता हूँ इधर पर, एक मिनट, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं क्लासिक एडिटर को इधर पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वाला क्लासिक एडिटर जो होता है ना, ये अच्छा होता है, तो कुछ ठीक ठाक लगता है मुझे। तो इसको मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं
ऐड न्यू पोस्ट में जाता हूँ। और इधर पे मैं करता हूँ टेस्ट, ऐसे ही मैंने टेस्ट करके डाल दिया। और इधर पे मैं कर देता हूँ ये, जब आप ये वाला जब शॉर्ट कोड आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी पोस्ट के अंदर कुछ इस तरह से एक आ जाएगा। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा, फिर इसके अंदर आप जाएंगे बटन में, बटन में जाके जिस कोड को आपको डाउनलोड कराना है, मतलब जो यूआरएल है, मान लीजिए ये वाला यूआरएल में रीडायरेक्ट करना है सामने वालों को, तो सिंपली ये यूआरएल आपको इधर पे डालना होगा। और इधर पे न्यू टैब, अगर आपको सेम टैब में रखना है तो सेम टैब कर सकते हैं, या न्यू टैब इसको करना होगा। इसको जो बटन का साइज इधर से आप बढ़ा सकते हैं, तो इसको और क्या करना है, ये फ्लूड जो इसको अगर इसको यस करना है, यस करने से कुछ इसका अगर लाइव प्रीव्यू देखेंगे तो बटन कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसको अगर ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो इसको अगर प्रीव्यू करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, छोटा वाला देख पा रहे हैं। तो इसको पूरा स्क्रीन दिखाना है तो इसको जो अच्छा रहता है फ्लूड को, इसको यस कर देते हैं और बटन को इसको सेवन कर देते हैं। तो देखिएगा इसका कितना बड़ा हो गया। तो अभी इधर पे करना है क्या, डाउनलोड। इधर पे डाउनलोड रख करना है तो देखिएगा कि इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, आपको इंसर्ट शॉर्ट कोड, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इधर पे बहुत कुछ ऑप्शन है, कलर वगैरह इधर पे चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो अब हमको सिर्फ काम डाउन के ऊपर मतलब है किस तरह से काम डाउन लगाना है। तो इधर पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट कोड। देखिए ये जब इंसर्ट कोड हो जाएगा, इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ, जाके इधर पे आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। इस तरह से ओपन जब करेंगे तो देखिए ये डाउनलोड बटन तो इस तरह से आ गया, आप देख पा रहे हैं ये डाउनलोड बटन आ गया है, लेकिन इसका आगे कोई काम डाउन अभी तक नहीं आया है। आप देख पा रहे हैं इधर पे कोई काम डाउन नहीं आया है, तो इसको आगे हमको काम डाउन लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं यूआरएल, जैसे देख पा रहे हैं ये यूआरएल, इसके आगे आपको क्लिक करना है और इधर पर आपको लिखना है आईडी, आईडी करके लिखना है, इजुगल देना है और इनवाइटेड करना कमा देना है, और इसके अंदर आपको लिखना है डाउनलोड, DOWNLOAD डाउनलोड। और ये जो इनवाइटेड कमा है और यूआरएल, इसके अंदर एक आपको स्पेस पे क्लिक करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अब समझ गए, ये करने के बाद इसको आपको करना होगा अपडेट। अपडेट करके इसको जो मैं अगर मैं रिलोड करता हूँ, देखिएगा ये देखिएगा काम डाउन हो रहा है, देख पा रहे हैं 15 से शुरू हो रहा है, 15, 14, 13, 19, 9 जो पीछे पीछे आ रहा है, जैसे मैंने गलत बता दिया आपको। तो ये जब ज़ीरो हो जाएगा, देखिए डाउनलोड बटन आ गया, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला मैंने यूआरएल दिया था, सेम वही इसमें रीजनरेट हो रहा है। मान लीजिए आपको जैसे कि इधर पे 15 तक काम डाउन हो रहा है, मान लीजिए आपको इधर पे करना है 5 करना है, या आपको 10 करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, दोबारा आपको टूल्स के अंदर जाके वो जो फूडर वाला कोड है उसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे पहले आप उधर पर कोड डाले थे, उसके अंदर जाके जैसे कि देख पा रहे ये इधर पर 15 लिखा हुआ है, तो इसको आपको करना है 10, और इसको भी करना है आपको 10, और इसको कर देना है आपको सेव चेंजेस पे क्लिक। अभी अगर इसको मैं रिलोड करके देखता हूँ, देखिए 10 से शुरू हो रहा है अभी काम डाउन, पहले 15 से शुरू हुआ था, अभी 10 से 10, 9, 8, 7 करके ये काम डाउन हो रहा है। तो इस तरह से आसानी से विदाउट cPanel में विजिट करके आप वर्डप्रेस से डैशबोर्ड के अंदर दो प्लगइन जैसे आपको पहले बताया दिखाया है, एक है शॉर्ट कोड वाला, दूसरा है हेडर फुडर कोड, ये वाला प्लगइन डाल के और
डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे विजिट करके इधर से ये वाला डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके आप ये वाला कोड को फुटर सेक्शन में डाल के आसानी से आपके वेबसाइट में काम डाउन ऑप्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो देख के अगर आपको लगता है थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।